Good morning, students. I am Pradeep Singh Yadav, and today I am here with the 7th lecture of Digital Communication. And today our topic is flat top sampling. Before starting this topic of flat top sampling, first we recall the topic that is covered in previous class. ओके तो प्रीवियस क्लास में हमने कवर किया था आइडियल सैम्पलिंग और प्रैक्टिकल सैम्पलिंग का जो हमारा फर्स्ट पार्ट था दैट इज नेचुरल सैम्पलिंग वो हमने कवर किया था. ठीक है तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे प्रीवियस टॉपिक्स हैं उनका क्या ड्रॉबैक था उनकी क्या लिमिटेशंस थे. तो सबसे पहले हम पहले उनकी लिमिटेशंस देखते हैं देन हम अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. तो जब हम आइडियल सैम्पलिंग की बात करते हैं तो आइडियल सैम्पलिंग में हम जानते थे कि जो पल्स सिग्नल यूज किया जाता था वो हमारा जीरो बिट का पल्स सिग्नल होता था, जीरो बिट का डेल्टा सिग्नल होता था, है ना. और प्रैक्टिकली जीरो बिट के डेल्टा सिग्नल को जनरेट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है. तो ये हमारे आइडियल सैम्पलिंग का पहला ड्रॉबैक था. ठीक है. दूसरा, जब हम आइडियल सैम्पलिंग यूज करते हैं उस समय हमें सिग्नल को रिकवर करने के लिए आइडियल लो पास फिल्टर का यूज करना होगा और आइडियल लो पास फिल्टर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना ये भी पॉसिबल नहीं है. तो ये हमारी दो लिमिटेशंस हैं जो आइडियल सैंपलिंग में होती है. अब बात आती है नेचुरल सैंपलिंग के. आप लोगों ने जैसे प्रीवियस क्लास में देखा था जब हम सिग्नल को जब हम मैसेज सिग्नल को किसी भी डेल्टा किसी भी पल सिग्नल के साथ जब हम सैंपल करते थे उस समय हमें सैंपल्ड सिग्नल नेचुरल सैंपल्ड सिग्नल मिलता था. नेचुरल सैंपल्ड सिग्नल का जो आउटपुट होता था वो हमारे इस टाइप का होता था. यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे जो सैंपल्ड सिग्नल का जो आउटपुट हो सैंपल्ड सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो लगातार वेरी करता था अकॉर्डिंग टू इनपुट सिग्नल दैट इज प्रोवाइडेड. ठीक है. तो क्योंकि यहाँ पे जो भी हमारा आउटपुट सिग्नल है जो हमारा सैंपल्ड सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड कंटिन्यूस चेंज हो रहा है इसी कारण जब हम इसे इस टाइप के सिग्नल का यूज करते हैं तो इस टाइप के सिग्नल को नॉइज ज्यादा इफेक्ट करती है. ये इसका ड्रॉबैक था. ठीक है. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वेरिंग इन एम्पलीट्यूड नेचुरल सैंपल्ड सिग्नल इज हाईली इफेक्टेड विथ नॉइज. ठीक है. ये हमारा नेचुरल सैंपल्ड सिग्नल का ड्रॉबैक होता था. ठीक. तो इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने नेचुरल सैंपल्ड सिग्नल में कुछ मॉडिफिकेशन किया. हमारा मेन पर्पस क्या था कि ये जो हमारा कंटिन्यूस वेरिंग जो एम्पलीट्यूड है उसको हम हटा दें, उसको हम एलिमिनेट करें. क्यों ऐसा? क्योंकि अगर एम्पलीट्यूड लगातार वेरी होगा तो जब नॉइस इसको इफेक्ट करेगी आपको पता होना चाहिए कि नॉइस भी सिग्नल के एम्पलीट्यूड को ही डिस्टॉर्ट करती है, एम्पलीट्यूड को इफेक्ट करती है. ठीक है. तो हमारे सिग्नल का हमारे सैंपल सिग्नल का एम्पलीट्यूड वैसे ही वेरी कर रहा है और जब नॉइस इसको फिर से वेरी करेगी तो इसको रिकवर करना बहुत आसान नहीं होगा. ठीक है. तो ये हमारा ड्रॉबैक था नेचुरल सैंपल सिग्नल का. तो इस ड्रॉबैक को एलिमिनेट करने के लिए हम लोगों ने दूसरा प्रोसेस यूज किया. दूसरा प्रोसेस सैंपलिंग प्रोसेस क्या था? फ्लैट टॉप सैंपलिंग. ठीक. ओके. तो आज की जो क्लास है उसमें हम लोग फ्लैट टॉप सैंपलिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है. फ्लैट टॉप सैंपलिंग का एक दूसरा नाम होता है रेक्टेंगुलर सैंपलिंग. ठीक है. फ्लैट टॉप सैंपलिंग इज ऑल्सो नोन एज रेक्टेंगुलर सैंपलिंग ड्यू टू इट्स कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड. ठीक है. ड्यू टू इट्स फ्लैट एम्पलीट्यूड ऑफ सैंपल सिग्नल आप ऐसा कह सकते हैं. ठीक है. यहां तक समझ में आया आप लोगों को? जब हम फ्लैट टॉप सैंपल सिग्नल को जब हम फ्लैट टॉप सैंपलिंग करते हैं या जब हमें फ्लैट टॉप सैंपल सिग्नल जनरेट करना होता है इसके लिए हम लोग प्रैक्टिकली इस सर्किट का यूज करते हैं. यहाँ पे आप लोगों को दो सिंबल्स दिख रहा है. ये हमारा एक सिंबल है, ये हमारा एक सिंबल है. ये किसके सिंबल्स है? ये फैट के सिंबल्स. इसका मतलब ये हुआ कि अपनी सर्किटरी में हमने दो फैट यूज किए हैं. क्लियर है? एक ये वाला फेट, एक ये वाला फेट. यहाँ पे जो हमारा फेट है वो एक स्विच की तरह वर्क कर रहा है तो मैंने इस फेट को नाम दे दिया SW1 दैट इज स्विच 1. इस फेट को मैंने नाम दे दिया SW2 दैट इज स्विच 2. ठीक है. यहाँ तक जो भी इनपुट प्रोवाइड किया जा रहा है वो यहाँ से प्रोवाइड किया जा रहा है, यहाँ से हम आउटपुट सैंपल सिग्नल ले रहे हैं. ठीक है. ओके. ये जो सर्किटरी है इसको इसका दूसरा नाम होता है सैंपल एंड होल्ड सर्किटरी. याद रहेगा आप लोगों को? ये जो हमारा फैट है, ये जो हमारा SW1 है, ये हमारा सैंपल्स कंसीडर करने के लिए सैंपल्स स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. दूसरा जो हमारा ये वाला स्विच है ये हमारा सिग्नल के एम्पलीट्यूड को होल्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. बात यहां तक समझ में आई? सबसे पहले इस सिग्नल सबसे पहले इस मेथड को समझने से पहले मैं इसको बेसिक इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको कुछ बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा. यहाँ पे इसका जो इनपुट है हम जानते हैं कि कोई भी फैट को कंट्रोल किया जाता है उसके VGS से, दैट इज उसके बेस वोल्टेज
ठीक है, गेट टू सोर्स वोल्टेज से, ठीक है। तो हम एक गेट वोल्टेज यहाँ प्रोवाइड करते हैं, गेट वोल्टेज यहाँ प्रोवाइड करते हैं। जब यहाँ पे गेट वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं उस टाइम में इसका गेट वोल्टेज जीरो होता है, जब यहाँ गेट वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं उस समय इसका गेट वोल्टेज जीरो होता है। याद रहेगा आप लोगों को, एट ए टाइम इधर यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा, इधर यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा, ये याद रहेगा आप लोगों को, ठीक। तो हम जानते हैं कि जब वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे, तब ऑन कंडीशन पे हमारा फ्लैट एक स्विच ऑफ केस की तरह वर्क करता है, एक क्लोज्ड स्विच की तरह वर्क करता है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, जब हम यहाँ पे गेट वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये एक क्लोज्ड स्विच की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। और आपको पता है, मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि जब हम यहाँ पे गेट वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे उस समय हम यहाँ पे गेट वोल्टेज नहीं प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पे गेट वोल्टेज प्रोवाइड किया तो ये क्लोज स्विच बन गया, उस समय मैंने यहाँ पे गेट वोल्टेज नहीं प्रोवाइड किया, क्योंकि हमने गेट वोल्टेज नहीं प्रोवाइड किया तो ये हमारा एक ओपन सर्किट हुआ, ठीक है। तो ओपन सर्किट मतलब इसका कोई ये एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, ठीक है, ओके। तो इस समय क्या होगा कि क्योंकि ये क्लोज स्विच है तो जो भी सिग्नल हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, जो भी सिग्नल हमारा यहाँ पे होगा एज इट इज वाला सिग्नल मुझे इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी मिल जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। जो भी सिग्नल मेरा यहाँ पे हमारा जो भी सिग्नल अवेलेबल रहेगा सेम सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि ये तो ओपन हो चुका है ये वाला फैक्ट और ये हमारा क्लोज हो चुका है, बात समझ में। अब यहाँ पे जो भी वोल्टेज हमें मिलेगा वो एक कैपेसिटर के अक्रॉस हमारा स्टोर हो जाएगा, कैपेसिटर उस वोल्टेज से हमारा चार्ज हो जाएगा, वो वोल्टेज हमें आउटपुट में मिल जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने यहाँ पे इनपुट में 5 वोल्ट दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे गेट पल्स अप्लाई की, तो जब मैंने यहाँ पे 5 वोल्ट दिया, यहाँ पे गेट पल्स अप्लाई की, तो ये जो 5 वोल्ट है वो एज इट इज कैपेसिटर के अक्रॉस आ जाएगी, कैपेसिटर मेरा 5 वोल्ट से चार्ज हो जाएगा, बात समझ में आई। और कैपेसिटर मेरा कंटिन्यूस चार्ज रहेगा क्योंकि इसके पास कोई डिस्चार्जिंग पाथ ही नहीं है, कैपेसिटर को आइडियली इस पाथ के थ्रू डिस्चार्ज होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये ओपन है इसलिए कैपेसिटर मेरा डिस्चार्ज नहीं होगा, वो कैपेसिटर कंटिन्यूस 5 वोल्ट से चार्ज रहेगा, बात समझ में आई, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने ये जो हमारा G2 है यहाँ पे मैंने गेट पल्स अप्लाई की, जब मैं यहाँ पे गेट पल्स अप्लाई करूंगा तब डेफिनेटली मैं G1 में गेट पल्स अप्लाई नहीं करूंगा, तो उस समय क्या होगा कि जो भी उस समय ये हमारा जो स्विच 1 है ये हमारा ओपन हो जाएगा, ये हमारा क्लोज हो जाएगा। तो जब हमारा स्विच 1 ओपन होगा उस समय जो भी इनपुट सिग्नल है वो मुझे यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वाला तो स्विच ओपन हो गया, ठीक है, लेकिन ये वाला पाथ क्लोज हो जाएगा क्योंकि हमने G2 पल्स अप्लाई किए। तो जब ये वाला पाथ क्लोज हो जाएगा तो कैपेसिटर को एक डिस्चार्जिंग पाथ मिल जाएगा, कैपेसिटर इस पाथ के थ्रू डिस्चार्ज हो पाएगा हमारा, बात समझ में। फिर से जब हम G1 पल्स अप्लाई करेंगे तो फिर से आप देखेंगे कि ये वाला पाथ क्लोज हो जाएगा, कैपेसिटर मेरा चार्ज हो जाएगा। फिर से जब से मैं G2 पल्स अप्लाई करूंगा आप देखेंगे कि कैपेसिटर मेरा डिस्चार्ज हो जाएगा, बात समझ में आप लोगों को। तो कैपेसिटर मेरा कब तक चार्ज रहेगा, जब तक मैं यहाँ पे पल्स अप्लाई करते रहूंगा, बात समझ में। कैपेसिटर मेरा कब तक डिस्चार्ज रहेगा, जब तक मैं यहाँ पे पल्स अप्लाई करूंगा, बात समझ में आप लोगों को। यहाँ पे सपोज मैंने 5 सेकंड तक यहाँ पे पल्स अप्लाई की, 5 सेकंड तक फिर मैंने यहाँ पे पल्स अप्लाई की, ठीक है। तो 5 सेकंड तक जब मैं यहाँ पे पल्स अप्लाई करूंगा तो डेफिनेटली 5 सेकंड तक हमारा कैपेसिटर चार्ज रहेगा। फिर मैं 5 सेकंड के बाद मैंने पल्स हटा ली यहाँ से, तो अब मेरा 5 सेकंड तक कैपेसिटर मेरा डिस्चार्ज हो जाएगा, बात समझ में। इसको कुछ आप इस वेवफॉर्म के थ्रू समझ सकते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे जो इनपुट XT है वहां पे मैंने इस टाइप का एक साइनोसॉइडल सिग्नल दिया है, ठीक है। अब सपोज मैं यहां से लेकर यहां तक का जो इंटरवल है इसको मैं 5 सेकंड मेंशन कर रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक का जो टाइम पीरियड है ये 5 सेकंड है, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि स्टार्टिंग जो 5 सेकंड था उसमें मैंने G2 पे पल्स अप्लाई की है, ठीक बात, और G1 पे मैंने पल्स अप्लाई नहीं किया। तो अगर मैं G2 में पल्स अप्लाई किया हूं इसका मतलब यह है कि जो हमारा ये वाला जो पाथ है ये हमारा टोटल शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और कैपेसिटर मेरा इस पाथ के थ्रू डिस्चार्ज हो जाएगा, इस पाथ के थ्रू डिस्चार्ज हो जाएगा तो आउटपुट मुझे जीरो मिलेगा, आउटपुट मुझे कुछ भी नहीं मिला, स्टार्टिंग कंडीशन है, बात समझ में। तो आउटपुट कुछ भी नहीं मिला, तो आप यहाँ पे इसके वेव फॉर्म में देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब आप मान के चलिए कि सपोज मैंने इसके बाद के जो 5 से लेकर 10 सेकंड है, ये जो अगले जो 5 सेकंड है, अब मैंने यहाँ पे पल्स अप्लाई किया और यहाँ पे पल्स अप्लाई नहीं किया, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे पल्स अप्लाई किया हूं, जब मैंने यहाँ पे गेट वोल्टेज प्रोवाइड किया है उस समय ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट होगा तो अब मेरा कैपेसिटर कंटिन्यूस चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, किस वोल्टेज से चार्ज होगा, आप यहाँ पे देखिए, सपोज आप यहाँ पे देखिएगा, सपोज ये जो हमारा सिग्नल है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक वैरी कर रहा है, आप यहाँ पे देखिएगा 5 से लेकर 10 सेकंड के बीच में, 5 to 10 सेकंड के बीच में हमारे जो सिग्नल का एम्पलीट्यूड है, सपोज मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया 1 वोल्ट और यहाँ पे मेंशन कर दिया 2 वोल्ट, ठीक है। तो इस 5 से लेकर 10 सेकंड के बीच में, 5 से लेकर 10 सेकंड के बीच में कैपेसिटर मेरा चार्ज होना स्टार्ट होगा और मैक्सिमम वो 2 वोल्ट तक चार्ज होगा,
बात समझ में आई? तब मेरा कैपेसिटर क्या होगा, 5 से लेकर 10 सेकंड के बीच में कैपेसिटर मेरा 2 वोल्ट से चार्ज हो जाएगा। अब वो डिस्चार्ज नहीं होगा क्योंकि उसके पास डिस्चार्जिंग पाथ नहीं है। क्लियर बात? वो कब तक चार्ज रहेगा? जब तक मैं अगला G2 अगले 5 सेकंड में मैं G2 पल्स अप्लाई ना कर दूं। बात समझ में आई? तब क्या होगा, आप यहाँ पे वेव फॉर्म में देख सकते हैं, जब ये कैपेसिटर चार्ज को स्टोर किया है उस समय कैपेसिटर ने कंटिन्यूस उस 2 वोल्ट को स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है, जो यहाँ पे 2 वोल्ट जो आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा था, उस 2 वोल्ट को कंटिन्यूस हमारा जो कैपेसिटर है वो हमारा स्टोर करके रखा हुआ है। तो कैपेसिटर ने क्योंकि उसको स्टोर करके रखा है अगले 5 सेकंड तक, इसलिए हमें यहाँ पे कॉन्स्टेंट 2 वोल्ट मिल रहा है। क्लियर बात? सेम वैसा ही हम लोग आगे भी देख सकते हैं। अगले 5 सेकंड में फिर से मैंने यहाँ पल्स अप्लाई की, फिर से जब हम यहाँ पे पल्स अप्लाई करेंगे तो फिर से हमारा कैपेसिटर चार्ज होगा, फिर जब हम यहाँ पे पल्स अप्लाई करेंगे हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगेगा। ठीक है, सपोज 5 सेकंड के लिए हम लोग पल्स अप्लाई कर रहे हैं, 5 सेकंड के लिए पल्स अप्लाई यहाँ कर रहे हैं, फिर 5 सेकंड के लिए पल्स अप्लाई यहाँ कर रहे हैं, फिर 5 सेकंड के लिए पल्स अप्लाई यहाँ कर रहे हैं। तो जब भी G1 में पल्स अप्लाई होगी कैपेसिटर मेरा कंटिन्यूस चार्ज होगा, जब G2 में पल्स अप्लाई होगी कैपेसिटर मेरा कंटिन्यूस डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि कैपेसिटर जब भी, सपोज मैंने 15 टू 20 सेकंड के बीच में मैंने यहाँ पे G1 में पल्स अप्लाई की, ठीक है, तो 15 टू 20 सेकंड के बीच में जो भी हमारे सिग्नल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, सपोज यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 5 वोल्ट है, तो इस टाइम इंटरवल में कैपेसिटर मेरा चार्ज होगा। और कैपेसिटर चार्ज किस वोल्टेज से होगा? जो भी हमारा मैक्सिमम वोल्टेज है 5 वोल्ट, तो कैपेसिटर मेरा 5 वोल्ट से चार्ज हो जाएगा। और वो 5 वोल्ट से तब तक चार्ज रहेगा जब तक हम G2 में पल्स अप्लाई ना कर दें। बात समझ में? जब मैं G2 में पल्स अप्लाई करूंगा उस समय जो मेरा कैपेसिटर है वो फिर मेरा डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा। बात समझ में? तो हम इसको डिस्चार्ज स्विच भी कह सकते हैं, हम इसको चार्जिंग स्विच भी कह सकते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। दिस वन इज ऑल्सो नोन एज चार्जिंग स्विच, G1 इज ऑल्सो नोन एज चार्जिंग स्विच, दिस वन इज ऑल्सो नोन एज डिस्चार्जिंग स्विच। क्लियर बात है आप लोगों के यहाँ तक? ठीक है, इसी को जो भी इसका बेसिक इनपुट है, जो हम लोग यहाँ पे इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं वो, उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया। जो हमने फाइनल यहाँ पे आउटपुट हमें जो मिलेगा उसको मैंने कुछ ऐसा मेंशन किया। आउटपुट जो भी हमें लास्ट में मिलेगा उसका जो एम्पलीट्यूड है वो टोटल फ्लैट रहेगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और क्योंकि जो फ्लैट टॉप सैंपल्ड का जो भी आउटपुट होता है वो बहुत ही फ्लैट होता है, इसलिए इस टाइप के सैंपल सिग्नल को नॉइस कम इफेक्ट करती है। बात समझ में? यह नॉइज जब इस टाइप के सैंपल सिग्नल को इफेक्ट भी करेगी तो उसको इजिली रिमूव किया जा सकता है। याद रहेगा आप लोगों को यहां तक? ठीक है, तो ये है, मैंने बेसिक इनपुट देख लिया जो यहां से प्रोवाइड किया जा रहा है, ये मैंने फाइनल आउटपुट देख लिया जो यहां प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, अब इसके बीच का जो प्रोसेस हो रहा है बेटा, यहां से लेकर यहां तक में जो प्रोसेस हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहां पे कुछ वेव फॉर्म्स का यूज किया। ठीक है, मैंने यहां पे कुछ वेव फॉर्म्स का यूज किया। ठीक है, आप यहां पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये क्या है, ये साइनोसाइडल सिग्नल जो हम कहां पे प्रोवाइड, ये जो पहला है ये साइनोसाइडल सिग्नल है, ये हम कहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हम XT से प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर है? ओके, अब ये है हमारा FET1 स्विच 1। ठीक है, अब यहां से जो हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो मैं G1 आपको कह रहा था वो क्या है, अगर मैं उसको वेव से समझू तो ये यहां पे CT सिग्नल है। ठीक है, तो जब ये जो भी गेट 1 में जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो CT सिग्नल है। जब इस टाइप का सिग्नल और इस टाइप के सिग्नल के बीच में आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है, आपस में सैंपलिंग होती है, तो आपको पता होगा कि क्योंकि ये 0 width का सिग्नल है, क्योंकि ये बहुत ही कम width का सिग्नल है, कम width की पल्स है, कम width का डायरेक्ट डेल्टा सिग्नल है, तो मैं इसे कहूंगा, इस टाइप की सैंपलिंग को हम कहेंगे आइडियल सैंपलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आप मान के चलिए कि जब हम फ्लैट टॉप सैंपलिंग करते हैं तो उसके पहले स्टेप में भी आइडियल सैंपलिंग होती है। ठीक है, तो जब मैंने XT को CT से मल्टीप्लाई किया, ये CT कहां पे प्रोवाइड किया जा रहा है बेटा, अगर मैं इस सर्किट में आप लोगों को समझाने के लिए बात करूं तो जो यहां पे G1 है, आप ये समझिए कि यहां से CT प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो यहां से प्रोवाइड किया जा रहा है XT, यहां से प्रोवाइड किया जा रहा है CT, तो यहां पे दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन हुआ और यहां पे जो मुझे आउटपुट मिल रहा है मैंने यहां पे मेंशन किया XCT। ठीक है, वो इस CT सिग्नल और इस CT सिग्नल और यहां से जो XT सिग्नल प्रोवाइड किया जा रहा है, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो उसी को अगर मैं आपको वेवफॉर्म से बताऊं तो दोनों के बीच का जो मल्टीप्लिकेशन के बाद, दोनों के बीच में सैंपलिंग के बाद जो मुझे XCT सिग्नल मिलेगा वो इस टाइप का सिग्नल मिलेगा। ये इस सिग्नल को कौन सा सिग्नल कहते हैं? इसको हम कहते हैं आइडियल सैंपल्ड सिग्नल। याद रहेगा, इसको हम कहेंगे आइडियल सैंपल्ड सिग्नल। क्लियर बात यहां तक? ठीक, अब क्या हो रहा है कि ये जो हम, ये अब क्या हो रहा है, यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो हमारा आइडियल सैंपल्ड सिग्नल हो रहा है उसको एक HT से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। यहां पे आप देखेंगे कि G2 पे हम एक वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, जिस वोल्टेज, जब तक हम वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तब तक मेरा यहां पे क्लोज स्विच की तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो जब मुझे वेवफॉर्म्स के फॉर्म में इसे समझना है तो आप यहां समझिए कि यहां से मैं एक XT इनपुट प्रोवाइड किया और यहां से मैं HT इनपुट प्रोवाइड किया, तो यह XT और HT के बीच मल्टीप्लीकेशन हुआ, कॉन्वोल्यूशनल
कन्वल्यूशन कन्वल्यूशन हुआ और उसके बीच उसके बाद में मुझे यहाँ पे प्रॉपर आउटपुट मिला। बात समझ में यहाँ पे आप लोगों को? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है मेरा XCT सिग्नल, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरा XCT सिग्नल है, XCT सिग्नल है और ये है मेरा HT सिग्नल। ठीक है, ये HT सिग्नल क्या है, ये प्रॉपर एक 5 सेकेंड की या प्रॉपर एक सफिशियंट विड्थ की पल्स स्ट्रीम है, इसकी एक सफिशियंट पल्स स्ट्रीम होती है। ध्यान रहेगा आप लोगों के यहाँ तक, इसकी एक सफिशियंट पल्स स्ट्रीम होती है। तो जब हम लोग इस टाइप के सिग्नल को अपने XCT सिग्नल के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, सैंपल करते हैं, उस समय जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो मुझे दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स इस टाइप के सिग्नल का और इस टाइप के सिग्नल को जब आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, सपोज मैं पहले सैंपल की बात कर रहा हूँ, इसका मल्टीप्लीकेशन होगा इसके साथ में। ठीक है, अब इसकी एक फाइनाइट विड्थ है, तो आपको पता होगा जब हम लोग 1 को या जब डेल्टा सिग्नल को जिस भी सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो सिग्नल डेल्टा सिग्नल होता है उस सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो हमारा जो डेल्टा सिग्नल है एक फाइनाइट विड्थ का एक पल सिग्नल बन जाएगा, तो हमें यहाँ पे एक पल सिग्नल मिल गया। वैसे जो हमारा सेकंड वाला जो सैंपल है वो सेकंड वाले पल्स के साथ में मल्टीप्लाई हुआ, तो मुझे यहाँ पे सेकंड वाला फ्लैट टॉप सैंपल सिग्नल मिल गया। वैसे जो हमारा थर्ड वाला जो भी आइडियल सैंपल सिग्नल है, जब मैंने उसको HT के साथ में मल्टीप्लाई किया तब मुझे थर्ड वाला सैंपल सिग्नल मिल गया। बात समझ में आई आप लोगों के यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो आप लोगों को बस यही ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो भी हमारा सैंपल एंड होल्ड सर्किट में जो भी सैंपल लिया जाता है वो एक बहुत ही मिनिमम सेकंड के लिए लिया जाता है, और जो होल्ड टाइम होता है यहाँ पे इस जो होल्ड टाइम होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, सैंपल टाइम कम होता है ताकि हम लोग कम टाइम में एक एग्जैक्ट सैंपल ले पाए, और ये होल्ड टाइम थोड़ा ज्यादा होता है ताकि उस वोल्टेज को लगातार एक सफिशियंट टाइम इंटरवल तक होल्ड करके रखा जा सके, तभी तो हमें इस टाइप सिग्नल मिलेगा। बात यहां तक सबको समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। तो जब हम ये तो इसका जो भी हमारा है, हम लोगों ने डायग्राम के थ्रू इसे, इसके वेव्स के थ्रू हमने इसे समझा है। ठीक है, अगर मैं इसी का टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन देखूं, अगर मैं इसी का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखूं, ये आप लोग वेवफॉर्म्स यहां से देख लेंगे। सबसे पहले ये दोनों के बीच में सैंपलिंग हुई है और मुझे XCT मिला है, देन XCT और HT के बीच में कॉन्वोल्यूशन हुआ है और मुझे यहाँ पे एक XHT, इस सिग्नल को मैं कह सकता हूँ XOH T कह सकता हूँ, एक ऑफ XOH T सिग्नल मुझे यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। ध्यान रहेगा आप लोगों के यहाँ पे? ठीक है, ओके। अगर यहाँ पे HT का जो मैंने पल्स स्ट्रीम बनाया है उसकी जगह एक सिंपल पल्स स्ट्रीम यहाँ पे मैं बना देता हूँ, अगर मैं इसकी जगह एक सिंपल पल्स स्ट्रीम यहाँ पे बना देता हूँ, मैंने यहाँ पे बना दिया HT, है ना, मैंने एक सिंपल पल्स स्ट्रीम बना दिया HT। ठीक है, अब इस अगर मैं कहूं कि इस पल्स स्ट्रीम के साथ में एक सिंपल HT जिसकी एक फाइनाइट विड्थ है, अगर इस पल्स के साथ में मैं इस आइडियल पल्स मैं इस टाइप के आइडियल सैंपल सिग्नल को अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मुझे यहां पे दोनों के बीच में कॉन्वोल्यूशन करना पड़ेगा। कॉन्वोल्यूशन करने से क्या होगा कि जो भी हमारे आइडियल सैंपल सिग्नल है वो उनका बिहेवियर इस सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। कॉन्वोल्यूशन यही होता है, एक सिग्नल की प्रॉपर्टी दूसरी सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। बात यहाँ पे समझ में आया? तो जो भी हमारा आइडियल सैंपल सिग्नल है उसकी जो विड्थ है वो हमारे इस HT के विड्थ के अकॉर्डिंग चेंज होते जाएगी, जिससे हमें इस टाइप का सिग्नल मिलेगा। ठीक है, तो आप दोनों से इसको समझ सकते हैं, आइदर मैं इसके एक पल्स स्ट्रीम बना के समझ सकता हूँ, मैं मल्टीप्लाई कर दिया, आइदर मैं एक HT एक सिंपल पल्स लिया और इस पल्स के साथ में इसको कन्वॉल्व कर दिया, तब भी हमें ये इस टाइप की पल्स मिल जाएगी, इस टाइप का आउटपुट मिल जाएगा। ध्यान रहेगा आप लोगों को? ठीक है, जब हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे, जब हम इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब हम इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन देखेंगे तो सबसे पहले हमें XT इनपुट लेना पड़ेगा, क्योंकि इसी का तो हमें सैंपल निकालना है। तो मैंने यहाँ पे एक XT एक सैंपल एक सैंपलिंग सिग्नल ले लिया, अब मैंने एक डायरेक्ट डेल्टा सिग्नल लिया, डायरेक्ट डेल्टा सिग्नल मतलब सिग्नल कंसिस्ट ऑफ जीरो विड्थ। ठीक है, मैंने एक ऐसा डेल्टा सिग्नल लिया जिसकी जीरो विड्थ है, उसको मैंने CT नाम दे दिया। ये कहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है? ये प्रोवाइड की जा रही है G1 पे, आप अपने डायग्राम से थोड़ा सा रिलेट करिए। ठीक है, ये कहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है? G1 में प्रोवाइड की जा रही है, दैट मीन स्विच नंबर 1 में प्रोवाइड की जा रही है। और ये जो हमारा HT ये हमारे इनपुट पे प्रोवाइड किया जा रहा है, जो हमारा सर्किट था।
ठीक है। अब जब हम ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मुझे एक्स ई टी मिला, जो फर्स्ट वाले फैक्ट के बाद में जो आउटपुट मिल रहा है ये वो वाला एक्स ई टी, ठीक है। अब ये जो एक्स ई टी है, इस एक्स ई टी, अब यहां से मुझे सैंपल सिग्नल एक्स ई टी मिल गया, ठीक है। उसके लिए मैंने अब मैथमेटिकली मैं लिख रहा हूँ एक्स ई टी इक्वल्स टू एक्स टी डॉट सी टी, क्योंकि सी टी एक डायरेक्ट डेल्टा सिग्नल है, क्योंकि सी टी एक डायरेक्ट डेल्टा सिग्नल है, तो क्यों भी डायरेक्ट डेल्टा सिग्नल की अगर मैं पल्स ट्रेन का इक्वेशन लिखूं तो डायरेक्ट डेल्टा सिग्नल की पल्स ट्रेन का ये इक्वेशन होता है, इसको मैं एक्स टी के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, जब मैं एक्स टी को इस समेशन साइन के अंदर लेता हूं तो ये हमारा एक्स टी इस टाइम इंटरवल का इस टाइम इंटरवल के फॉर्म में आ जाता है, तो ये हमारा एक्स टी एक्स एन टी एस हो जाएगा, बात समझ में, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि जो भी हमारा एक्स ई टी होता है वो एक, जो हमारा एक्स ई टी होता है उसको हम एक एच टी, एक हम एक एच टी एक पल्स लेते हैं जिसकी एक फाइनाइट विड्थ है, ठीक है। उसके साथ हम कन्वॉल्व करते हैं, कन्वॉल्व करने से क्या होगा, जो भी हमारी एक्स ई टी है उसकी प्रॉपर्टी इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, बात समझ में। तो अब मैंने क्या किया, एक्स ई टी को कन्वॉल्व किया बाय यूजिंग एच टी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जब हम एक्स टी को कन्वॉल्व कर रहे हैं बाय एच टी, तब हमारा क्या होगा, जब कॉन्क्लूजन करते हैं तो कॉन्क्लूजन में क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट या टाउ इंस्टेंट से हमारा शिफ्ट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे टी माइनस टाउ कर दिया, ठीक है। और जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा इक्वेशन आ गया, क्लियर बात यहां तक सभी को, ठीक है। अब इसी में अगर मैं एक्स ई टी की वैल्यू, जो यहाँ पे एक्स ई टी है, अगर इसी एक्स टी एक्स ई टी की वैल्यू मैं अपने ऊपर वाले इक्वेशन से ये वाली वैल्यू पुट अप कर दूं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, जब हम एक्स ई टी की वैल्यू पुट अप करेंगे तो हमारा इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, ये मैंने एक्स ई टी की वैल्यू पुट अप की है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद अगले स्टेप में क्या हुआ, ये जो x ऑफ एन टी एस है इसको मैंने इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकाला, अब मैंने इसको माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट रखा, टी माइनस टाउ किया, ठीक है। अब ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि ये एक इस फॉर्म में आ जाए, ताकि मैं उसको इजिली शिफ्ट कर पाऊं, ताकि मैं उसमें इजिली शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर पाऊं, ठीक है। जब हम लोग इस समेशन वाले, आप इंटीग्रेशन के अंदर जो भी टर्म देख रहे हैं, यहाँ पे यहां से लेकर यहां तक जो भी टर्म देख रहे हैं, जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं डेल टी माइनस एन टी एस इंटू एच टी माइनस टाउ डी टाउ, जब इसको इस पे हम लोग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, तो ये जो हमारा H है, जो हमारा H जो हमने पल्स लिया था जिसकी एक फाइनाइट विड्थ थी, वो हमारी इस T माइनस एन टी एस टाइम इंस्टेंट से शिफ्ट हो जाती है, यही हमारी डेल्टा की प्रॉपर्टी होती है शिफ्टिंग की, ठीक है। तो ये वाला आप लोग ध्यान रखिएगा, ये वाला जो हमारा फर्स्ट जो इक्वेशन है, ये हमारा फ्लैट टॉप सिंपल सैंपल सिग्नल का टाइम डोमेन में रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको हमेशा ध्यान दीजिएगा बेटा, ये जो हमारा एच टी है, एच टी माइनस एन टी एस, ध्यान रखिएगा, इसी के कारण यही जो फैक्टर है, यही हमारे एक जीरो विड्थ के सिग्नल को एक फाइनाइट विड्थ प्रोवाइड करता है, ताकि उसका एम्पलीट्यूड फ्लैट हो जाए। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, ठीक है, ओके। इसके बाद अगर मैं इसी का एक फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन देखता हूं, तो हमें पता है कि अगर मैं टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन कर रहा हूं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कॉन्वोल्यूशन क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है। तो जब मैं इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म लिया तो ये कॉन्वोल्यूशन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हुआ, जो हमारा टी है वो हमारा एफ में चेंज हो गया, सारे स्मॉल साइन को मैंने कैपिटल से रिप्लेस कर दिया, बात यहां तक समझ में आई है, ठीक है। अब जो भी हमारा XCF है, XCF का जो भी हमारा फॉर्म है उसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, जो भी XCF का ये XCF इक्वल्स टू ये होता है। अब ये जो हमारे XCT की जो हमारी वैल्यू थी, ध्यान दीजिएगा, ये XCT नहीं है, ये हमारा XCF है, क्लियर बात, ये हमारा XCF है। तो जो भी हमारे XCF की वैल्यू है इसको हम लोग यहाँ पे पुट ऑन कर देंगे, जब हम यहाँ पे पुट ऑन करेंगे तो हमें लास्ट में ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा, ध्यान रहेगा, ठीक है। तो आप ये इक्वेशन ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एच एफ एक ट्रांसफर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, पल्स के ट्रांसफर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आप इसे ऐसा भी बोल सकते हैं कि हम सबसे पहले एक आइडियल सैंपल सिग्नल जनरेट किए, आइडियल सैंपल सिग्नल को एक लो पास फिल्टर के थ्रू, एक ऐसे फिल्टर के थ्रू पास किए जिसका ट्रांसफर फंक्शन था एच एफ। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं बेटा, क्योंकि अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत कंट्रोल सिस्टम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जब हम लोग आउटपुट और इनपुट के बीच का रेशियो देखते हैं तो उसे हम लोग ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं। इस टाइम में जो हमारी इनिशियल कंडीशन होती है उसको हम लोग जीरो मान के चलते हैं। तो अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन सर्किट के ट्रांसफर फंक्शन को एचएफ मान रहा हूं, यहां पे मैं इसको इनपुट कह रहा हूं, यहां पे मैं इसको आउटपुट कह रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं कि आउटपुट बाय इनपुट इक्वल टू होगा मेरा एच ऑफ एफ, या फिर मैं कह सकता हूं कि आउटपुट इक्वल टू क्या होगा, एचएफ इनटू इनपुट,
ऐसा हम लोग कह सकते हैं, आउटपुट इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं एच एफ इंटू इनपुट। यहाँ पे एच एफ क्या है, ये हमारे जो भी सर्किट है उसका ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है। तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं, जब आइडियल सैंपल सिग्नल को जब हम एक ऐसे फिल्टर के थ्रू पास कर रहे हैं जिसका ट्रांसफर फंक्शन एच एफ है, तो जो भी मुझे आउटपुट मिलेगा वो हमारा एक फ्लैट टॉप सैंपल सिग्नल मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक तो ये हमारा फ्लैट टॉप सैंपलिंग का डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्लास से हम लोग पल्स मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे हम लोग मॉड्यूलेशन क्या होता है, कितने टाइप के मॉड्यूलेशन होते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।